जैनम जयतु शास्त्रम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का थोड़ी सी तेज बन जाए। देखो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का स्वरूप अपन ने पढ़ा, अब अपनी चर्चा काय की चलेगी, मिथ्या चरित्र आवाज कर रहे हैं। मिथ्या चरित्र में थोड़ी सी कमजोर, अब ठीक, अभी ठीक है ना? चलो, मिथ्या चरित्र में कौन से मिथ्या चरित्र की बात चल रही है? दो प्रकार के मिथ्या चरित्र का वर्णन है इस ग्रंथ में, एक तो अग्रहित और दूसरा ग्रहित। तो यहाँ जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए की चर्चा अपन कर रहे हैं, कल मैंने जिस मिथ्या ज्ञान की चर्चा की उसके पहले मिथ्या दर्शन की करी, अब मिथ्या चरित्र की करेंगे। एक कौन सा वाला मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए, ग्रहित है क्या अग्रहित? अभी अपन अग्रहित की चर्चा कर रहे हैं। अग्रहित माने ये सब अपन बचपन से लेके आए, ये मैंने नया नहीं सिखाया। सात तत्वों में भूल बचपन से, और उस भूल के साथ में इतना भी अपना अज्ञान है वो भी बचपन से, अज्ञान के साथ जो प्रवृत्ति आचरण है वो भी अज्ञान से। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए जो हम बचपन से लेके आए हैं, जो नवीन नहीं सिखाया उसको अगर एक मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए उसका वर्णन पर पढ़ रहे हैं। तो ये सबको है जिस मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए का वर्णन पढ़ रहे हैं, ये एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक चारों गतियों के जीवों को सबको है। और फिर जिस ग्रहित का वर्णन पढ़ेंगे वो अपनी नई कमाई है, मनुष्य भाव की खोटी कमाई जो कि इस अग्रहित को पुष्ट कर, पहले अपने अनाधिकार से सात तत्व की भूल तो चली आ रही है, अब ऐसी चीजें और अपन सीख लेते हैं जिससे वो सब मान्यता अपनी और पुष्ट हो जाती है, विपरीत मान्यता। और वो उससे सबसे बड़ा दिक्कत नुकसान क्या होता है गरीब मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए में, कि वो धर्म के नाम पे पुष्ट हो जाता है, मैंने धर्म के नाम पे मिथ्या पुष्ट हो जाता है। ये तो सोचता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ और होता है उससे मिथ्या को पुष्ट। तो वो सब चीजें जो है ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए के अंतर्गत आती है, जो अपनी इस विपरीत मान्यता को पोषण करता है, इसको पानी देता है। बच्चा नहीं हो रहा है क्या करना, महावीर जी चले जाओ। तो अब अपना पहले ही अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए तो है ही, और ये ऐसी मान्यता है और आगे रागी द्वेषी को माने तो राग द्वेष में तो पहले ही सुख मानता है, और आराध्य भी रागी द्वेषी बना ली, अब राग द्वेष में ही सुख मानेगा ना, वो मान्यता कैसे छूटेगी? उसने आदर्श ही खोटे बना रखे, तो आदर्श ही खोटे बना रखे हैं, मैंने जिनको दुख रूप जानना था और दुख रूप को इसने आदर्श बना लिया, तो इसका कभी अग्रहित मिथ्यात्व नहीं नष्ट हो सकता। अग्रहित मिथ्यात्व तो उसी का नष्ट होगा जिसके ग्रहित मिथ्यात्व रंच मात्र भी नहीं होगा, जिसके अभी ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग नहीं है उसके अग्रहित मिथ्यात्व तो आराम से बैठा है, कुछ चिंता नहीं होती क्या, क्योंकि उसको पानी देता रहता है, वो हिलता भी नहीं अपनी जगह से। अग्रहित को मालूम है जब तक ग्रहित बैठा है ऊपर मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, वो चले जाए तो उसको डर लगता क्या। अग्रहित मिथ्यात्व को जो खतरा है वो सच्चे देवशास्त्र गुरु से है, कुदेव गुरु कुशास्त्र से उसको अच्छा पोषण मिलता है, अच्छा पानी मिल जाता है उसको एकदम। ये अपन किसका पढ़ रहे हैं, सब अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित का स्वरूप पढ़ रहे हैं। कल अपन ने मिथ्या ज्ञान का स्वरूप पढ़ा, आज अपन मिथ्या चरित का स्वरूप पढ़ेंगे। देखो छड़ागा के हिसाब से पढ़ते हैं, मिलना इन जुप्त विषयन में जो प्रवर्तता को जानो मिथ्या चरित्र,
मिथ्या ही है, मिथ्या चाहे इन जुत इन सहित किन सहित मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित विषय यानी में जो प्रवर्तन जो विषयों में प्रवृत्ति है मिला नहीं मिला सौरभ जी मिला नहीं मिला कौन सा नंबर का दोहा पहला नंबर कौन सा भैया तो पढ़ लेता हूँ तो आठवें नंबर का दोहा है दूसरी ढाल में पेज नंबर 39 तो बोल लेता हूँ इन जुत विषयन में जो प्रवर्तता को जानोगे इन जुत माने इन सहित अब इन कौन है इन इन माने जिनकी चर्चा हम अभी करके आए हैं मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान वो है इन जुत माने सहित मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित विषयन में जो प्रवर्त विषयों में जो प्रवृत्ति है ताको जानो मिथ्या चरित उसको तुम मिथ्या चरित हो जाओ अभी लाइन समझने में कितनी सरल लगती है बहुत भाव भरा किसको मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान सहित जो कुछ भी विषयों की प्रवृत्ति है उसका नाम मिथ्या चरित है अगर वो यदि इसको ढंग से अर्थ नहीं किया जाए सीधे यूं भी कह सकते हैं विषयों की प्रवृत्ति का नाम मिथ्या चरित वो उन्होंने विषयों की प्रवृत्ति को नहीं कहा वो इन जुत बहुत दम है इन जुत इन सहित जो विषयों में प्रवृत्ति उसका नाम मिथ्या चरित है वो इन सहित ना हो तो किन सहित ना हो तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान सहित ना हो यदि विषयों की प्रवृत्ति तो हो इन मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान ना हो तो उसका नाम क्या है प्रश्न है मेरे सामने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित विषयों की प्रवृत्ति का नाम मिथ्या चाहिए बिना मिथ्या दर्शन और बिना मिथ्या ज्ञान के विषयों की प्रवृत्ति का नाम क्या है पहले तो ये अपन भी विचार करते हैं मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के बिना मतलब जिसके मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान नहीं हो जीव कौन होगा तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के बिना विषयों की प्रवृत्ति हो सकती है कौन कह रहा है कि हो सकती है और कौन कह रहा है नहीं हो सकती है नहीं हो सकती ऐसा कहने वाले को मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के बिना विषयों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती ऐसा कहने वाले कौन है बिना बिना मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के नहीं हो सकती ना विषयों की प्रवृत्ति कैसे हो क्या करे इधर वाले चुपचाप मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित ही विषय में प्रवृत्ति होती है कि उसके बिना भी हो सकती है उसके बिना भी हो सकती है और सहित भी हो सकती है यदि उसके बिना भी माने तो फिर आदिनाथ भगवान दत्त देख रहे थे वो विषयों की प्रवृत्ति थी कि विराट वो क्या था विषयों की प्रवृत्ति ठीक नहीं थी तीर्थंकर को ले लो और किसी के क्यों किसान हो सकता है सम्यक दृष्टि नहीं हो छायक सम्यक दृष्टि को उदाहरण बनाया बस जो बचपन से छायक सम्यक ले जाए विवाह के लिए निकले वो तो चलो वो तो विवाह हो ही नहीं जिनका विवाह हो गया उनका कितने तीर्थंकरों का विवाह हुआ 19 का 20 का किसने कर दिया 19 का एक टन से बढ़ा दी 19 ने किया है तब 19 के जो विवाह हुआ विवाह पूर्वक जो कुछ भी उनकी स्त्री के साथ भोग था वो विषय की प्रवृत्ति थी कि नहीं थी उनके पुत्र भी थे चलो और तो आदिनाथ भगवान के पुत्र थे कितने थे 101 पुत्र थे पुत्री आगे 101 पुत्र थे पहली पत्नी के 100 पुत्र और एक पुत्री और दूसरी पत्नी के एक पुत्र और एक पुत्री दो पत्नी थी आदिनाथ भगवान और तो चलो शांतिनाथ भगवान की कितनी पत्नियां थी 6000 तीन तीर्थंकर और बाकी के भी स्त्रियां यथायोग्य थी तो उनके विषय सेवन तो था और
विषय सेवन था और सम्यक दृष्टि थे, इसका मतलब एक बात तो पक्की होगी, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित भी विषयों की प्रवृत्ति हो सकती है। यदि नहीं हो विषयों की प्रवृत्ति तो वो चौथा गुणस्थान ही नहीं बनेगा, फिर गुणस्थान 13 ही रह जाएंगे। मैं तो कहता हूँ 13 भी क्यों, 12 ही रह जाएंगे। पांचवें गुणस्थान में भी कुछ तो विषयों की प्रवृत्ति है, पांचवें गुणस्थान है ना, पांचवें गुणस्थान भी कितने भेद है, 11 प्रतिमा, उसके 11 भेद। तो सातवीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य प्रतिमा आती है, सातवीं प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचर्य। उसके पहले जो 6 प्रतिमा है तो उसमें उसने अपनी स्त्री का त्याग नहीं किया, सातवीं का नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा, छठी तक वो स्व स्त्री है उसके, क्योंकि यदि छठी में त्याग करा दोगे तो सातवीं में क्या करेंगे। देखो दूसरी प्रतिमा में तो उसने अपनी स्त्री में संतोष रखने रूप सदा संतोष अनुव्रत दिया है, दूसरी प्रतिमा में अनुव्रत है, तो दूसरी में यदि अपन उसको स्व स्त्री का भी त्याग करा देंगे तो अनुव्रत क्या हुआ, फिर महाव्रत ही नहीं हो गया। दूसरी में तो उसने अनुव्रत लिया, अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सब स्त्री में राग छोड़ा, और सातवीं में अपनी स्त्री का भी राग छोड़ा। तो दूसरी से छठी तक के प्रतिमाधारी को विषय सेवन है कि नहीं है, विषय सेवन है। और पंचम स्थान पड़ती है दो कषाय चौपड़ी का भाव, तो इसलिए विषयों की प्रवृत्ति मात्र वो मिथ्या चरित्र नहीं है, समझना। और दूसरी बात कि सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी के भी न केवल सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी के विषय की प्रवृत्ति देखने में आ सकती, बल्कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित अनुवृत्ति के भी एक देश चैत्रवंत के भी भूमिका अनुसार विषयों की प्रवृत्ति होती। विषयों की प्रवृत्ति का त्याग सर्वथा प्रकाश तो मुनिराज के ही होता है, मुनिराज के पहले भी सम्यक दर्शन का गुणस्थान तो है ना, चौथा गुणस्थान का नाम ही है अविरत सम्यक, मतलब व्रत नहीं है सम्यक। पांचवे का नाम है देश विरत, एक देश व्रत है, पूरी तरह से त्याग नहीं। तो इसलिए विषयों की प्रवृत्ति तो मुनि अवस्था के नीचे भी देखने को मिलती है, वो सम्यक दृष्टि है सम्यक ज्ञानी है। शास्त्र में सब उदाहरण भरे पड़े, 24 के 24 तीर्थंकर के उदाहरण, ये सब सम्यक दृष्टि थे और इनकी विषयों की प्रवृत्ति भी थी। इसलिए विषयों की प्रवृत्ति सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी के भी हो सकती है, एक तो ये आंसर हुआ। अब उसका नाम क्या देना है अपने, अब तो ये अपने को निर्णय करना है। एक आंसर तो हो गया सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी के भी विषयों की प्रवृत्ति हो सकती है, अब हो सकती है, अब उसको नाम क्या देंगे, अरे क्या नाम देंगे, आसक्ति होती नहीं होती को अपना अलग अलग टॉपिक है वो, अभी तो प्रश्न ये चल रहा है उसको आप क्या नाम दे, सम्यक चरित्र की मिथ्या चरित्र, सम्यक चैत्य मिथ्या चैत्य कहने वाले कोई, अच्छा विषयों की प्रवृत्ति को यदि सम्यक चैत्य कहें तो फिर उसको छोड़ो को जा, यदि कोई सम्यक चैत्य है तो जो सम्यक चैत्य होता है उसको तो ग्रहण किया जाता है। मिथ्या दर्शन के साथ ग्यारह चैत्र मिथ्या होते हैं, सम्यक दृष्टि के साथ ज्ञान चैत्र में लगा रहा है, विषयों की प्रवृत्ति में वो वहाँ ज्ञान मत घुसो, विषयों की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, सराग सम्यक तो नहीं, वो सराग सम्यक तो राग पूर्वक जो भी शुभ राग है उसकी तरफ से कहे, ये तो अशुभ राग है। तो इसका नाम जिनवाणी में दिया असंयम, क्या नाम दिया इसका, असंयम अविरत, उसको ना मिथ्या चैत कहते हैं न सम्यक चैत, इसका नाम है असंयम रूप दशा। सम्यक दृष्टि के विषयों की प्रवृत्ति को असंयम कहा है, मिथ्या चैत नहीं कहा, सम्यक चैत भी नहीं कहा, सम्यक चैत कह रहे तो बहुत ही दिक्कत हो जाए, विषयों की प्रवृत्ति का भी नाम सम्यक चैत होगा तो सम्यक चैत क्यों छोड़े, क्या असंयम नाम है, संयम नहीं है, लेकिन चारित्र मिथ्या चैत नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मिथ्या चैत नाम तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ है,
उसके भी अनंतानुबंधी कषाय गई है सम्यक दर्शन होते ही। एक कषाय चौपड़ी का अभाव हुआ है, ऐसा नहीं कि चैत्य मुनि में कुछ नहीं हुआ है। दूसरी उसकी जो अब कषाय की जो प्रवृत्ति उसमें बहुत अंतर है, मिथ्यात्व सहित विषयों की प्रवृत्ति और सम्यक सहित विषयों की प्रवृत्ति में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अब वो उसको छोड़ना चाहता है, जब छोड़ना चाहता छोड़ क्यों देता, अभी इतनी सामर्थ्य नहीं आई है। क्या अभी अपने आप को परिपूर्ण रूप से तैयार नहीं पाता है, इसलिए छोड़ नहीं पाता, छोड़ना चाहता है छोड़ नहीं पाता, अपनी कमजोरी जानता है कि ये मेरी कमजोरी है और एक कमजोरी होने से वो उसका त्याग करने में समर्थ नहीं होता, लेकिन त्याग निरंतर करना चाहता है, अंतरंग में उस चीज का बिल्कुल भी राग नहीं। पूर्व का संस्कार है, यूं कहेंगे अभी उतना तीन कषाय का राग है, उस राग का ऐसा धक्का है कि वो चीज छोड़ने में अपने को समर्थ भी नहीं पाता, अपने आप को इतना सामर्थ्यशाली नहीं पाता कि भाई मैं इसका राग भी छोड़ दूं। और अंतरंग में ऐसा निरंतर भावना भी भाता है कि वो दिन कब आए जब मैं इसका राग भी छोड़ दूं। इसके लिए उदाहरण दिया है, कोई आदमी कड़वी दवाई पीता है रोग के वजह से, बीमारी बहुत हो रही है, कड़वी दवाई पीनी पड़ रही है। अब वो कड़वी दवाई पीना पड़ रही है तो क्या कड़वी दवाई में उसको अनुराग है, प्रेम है, ये क्या करे, मजबूरी में पीना पड़ रही है, क्यों नहीं पिए तो और पीड़ा बढ़ती है, इसलिए पीड़ा को समन करने के लिए दवाई पीनी पड़ती है। मन तो ऐसा करता है कि कड़वी दवाई कब छूटे, लेकिन क्या करें, नहीं पिएंगे तो और पीड़ा होती है, इसलिए उस पीड़ा से घबरा के पी लेते। ऐसे सम्यक दृष्टि विषयों की पीड़ा से, मतलब विषयों की पीड़ा सही नहीं जाती, सही नहीं जाती, इसलिए वो औषधि के समान उन विषयों का सेवन करता है, लेकिन कभी भी श्रद्धा में उसको भला नहीं जानता, चाहता तो यही है कि विषयों की पीड़ा ही ना हो, रोग ही मूल से मिट जाए, रोग ही मिट जाएगा तो फिर इसको विषयों को सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके श्रद्धा में बहुत बड़ा अंतर है, मतलब वो उसको विषय को विषय की पीड़ा जानता है, उसको दुख रूप जानता है, रोग जानता है, और मिथ्या दृष्टि के श्रद्धा में विषय भोग भोग दिखता है, उसको रोग दिखता है, उसको भोग दिखता है, ये छूटना चाहता है और भोगना चाहता है। मिथ्या दृष्टि तो धर्म भी भोग के लिए करता है, सारा धर्म भोग के लिए, पुण्य बंधन, पुण्य बंधन से पैसा आए, मान प्रतिष्ठा मिल जाए, चार जने जान जाए, अगले भाव में देवगति मिल जाए, देवांगना मिल जाए, धर्म हो गया, कौन क्या चाहिए इससे ज्यादा, और क्या जानते ही नहीं, अतीन्द्रिय सुख की पहचान ही नहीं है उसको, सच्चा सुख क्या है उसकी उसको खबर नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि तो धर्म भी भोग के लिए, और सम्यक दृष्टि भोग भोगता हुआ भी धर्म चाहता है, क्योंकि भोग भोगने के काल में भी उसको उस जाति का बंध नहीं होता जो मिथ्या दृष्टि को धर्म करते हुए भी हो जाते। कितना बड़ा अंतर है श्रद्धा का, इसमें समय साल में गाथा है निर्जरा अधिकार में, निर्जरा अधिकार में उन्होंने किसके कहे मालूम, निर्जरा किसको होती है, तो उन्होंने गाथा में पहली पहले निर्जरा अधिकार की सबसे पहली गाथा कि सम्य दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण। अब सुन के आदमी का तो दिमाग खराब हो जाएगी, क्या कह रहे हैं, जैसे कोई एटम बम छोड़ दिया आदमी नींद में भी कोई सो रहा हो और प्रवचन प्रवचन के अंदर वैसी बात सुने, ऐसी सचमुच थोड़ी भी कुछ उसको सुनने की लगा तो जग जाएगा, क्या कह रहे हैं पंडित जी, दिमाग खराब हो गया, और पंडित जी क्या, पंडित जी की ताकत ही नहीं है, उसमें समय सानुकुंदाचार्य ने लिखा कि समय सम्यक दृष्टि के भोग मिल जाएगा, अभी कैसे हो सकता, फिर उन्होंने उसको समझाया, मैंने उनकी शैली ऐसी समय सार की, पहली गाथा में ऐसी बात कहेंगे जो किसी के गले नहीं होते, और फिर उसका पूरा समाधान जो है आगे उसका करते जाएंगे, मतलब उसको पूरा विषय बना के और उसको क्लियर करेंगे कि कैसे भोग मिल जाएगा का कारण है, और इसका मतलब तुम भोग मत भोगना, सब क्लियर करेंगे आगे, थोड़ा धैर्य रखे आदमी, तुम बिल्कुल संभाला है, ऐसा नहीं कि उसको उसको खुला छोड़ने का
कहो कि भाई तू भोग क्या, वो तो वो वहाँ उनको ये बताना है कि देखो ज्ञान और वैराग्य की ताकत क्या, देखो ज्ञान और वैराग्य की महिमा क्या। तुम निर्जला किसको मानते हो? उपास करेंगे तो निर्जला हो जाएंगे, इसलिए जान करके हमने ऐसी बात की। तो उपास से निर्जला हो तो हम बिल्कुल उल्टी बात करें क्या, कि निर्जला होती भोग से। बोलो आदमी कान खड़े हो जाए एकदम सुन के। अब हम बताएंगे कि भाई देख ये क्यों कह रहे हैं हमेशा कि तेरे को बहिरंग दृष्टि तो है लेकिन आज तक अंतरंग दृष्टि हुई नहीं, और हमें उस सम्यक दृष्टि का श्रद्धान बताना है। देख श्रद्धान की महिमा, कि उस श्रद्धान के बल से भोग अपना काम नहीं कर पाते। उन्होंने उसके लिए दो उदाहरण दिए जो मैंने पहले आपको दिए थे ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के लिए। एक तो ज्ञान की शक्ति के लिए दिया था वेद्य जहर खाके भी नहीं मरता, ध्यान है, और शराबी शराब पीकर भी मदमत्त नहीं होता। ये ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है, जैसे सम्यक दृष्टि की ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है जिसके कारण से भोग अपना काम कर नहीं पाते, और जितनी वो अनंतानुबंधी जाति की जो कषाय है और मिथ्यात्व है उसका बंद नहीं होता, अभी तो पूर्ण में बंधे हुए उनकी निर्जरा होती है, बाकी की नहीं। जो नहीं बंध रहे हैं जिनका संवर हो चुका है उसकी निर्जरा है, जिनका बंद हो रहा है उनके तो बंद है ही सही क्या। मैंने वो उस काल में भी भोग निर्जरा के कारण नहीं है, निर्जरा का कारण तो उसका श्रद्धान है। कोई ये नहीं समझ रहा भोग निर्जरा के कारण और भोग भोगना चाहिए ताकि निर्जरा हो, नहीं, हमें उसका श्रद्धान की महिमा बताने की। देखो श्रद्धान की कितनी गजब जबरदस्त महिमा है, उसके सम्यक की महिमा कि वो ये इनके बीच है और इनके बीच में भी उसको ये जो है मिथ्यात् और अनंतानुबंधी का बंध नहीं है उसको, और बाकी भी जो बंध है वो बहुत कम स्थिति और अनुभाग वाला है। मैंने वो 96,000 रानी के बीच में दिख रहा है लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इसके श्रद्धान को देखो तो ये मुक्ति मार्ग है, ये मोक्ष जाने वाला है क्या। भरत जी घर में मेरा ये समझ में नहीं है, किसी को ऐसा कैसे हो सकता है भरत जी घर में वैरागी, 96,000 पत्नी वाला घर में वैरागी, तो मेरे तो एक है, मैं तो वैरागी का ही वैरागी। कहते देखो तुम उससे अपनी तुलना मत करो, वो चीज अलग है। कि क्या अलग है? तो एक परीक्षा करने के लिए व्यक्ति पहुंचा तो उन्होंने उसको एक कटोरा दिया, कटोरा घूमो लेके, लेकिन गिनना नहीं चाहिए इसमें जो दूध रखा है, नहीं तो तुमको दंड मिलेगा। ध्यान किस पे है? तो ऐसे ही वो कह रहे हैं उसका उपयोग कहाँ है, तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम्हें तो बाहर नहीं दिखेगा, कह रहे ये क्या है, ये क्या है। और वो कह रहे हैं कि तुम अपने उस उपयोग को देखो, हम जो तुमको दिखा रहे हैं उसको देखो, ये मत देखो कि ये भोग है। वो भोग के अंदर विद्यमान जो श्रद्धान है उस श्रद्धान का बल है कि भोग अपने अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। अन्य कोई भोग भोगता मिथ्या दृष्टि होता तो उसके तो पूरा बंधन होता उससे, और वो नहीं भी भोगता तो भी बंधन है उसके। और यहाँ सम्यक दृष्टि के भोग के काल में भी उसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध नहीं है, अपितु उसकी निर्जरा है, उतना ही है किसकी, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी। उसका श्रद्धा विपरीत नहीं होता, उसका श्रद्धा विपरीत हो जाए तो बंध चालू हो जाएगा। श्रद्धा में जो उसके सात तत्व का श्रद्धान है कि वस्तु ऐसी है, उससे वो त्रिकाल में चलायमान नहीं होता, तीन लोग चलायमान हो जाए, तीन लोग में संभ्रम उत्पन्न करने के कारण उत्पन्न हो जाए, लेकिन सम्यक दृष्टि अपने श्रद्धान से चलायमान करता वो उसके तो पुण्य का ऐसा उदय आता ही है। अधिकांश सम्यक दृष्टि के इतना उत्कृष्ट जाति का पुण्य का उदय होता है कि वो सामान्य जीव नहीं होते, बलभद्र चक्रवर्ती कामदेव महामंडलेश्वर राजा। अब यदि कोई सामान्य आदमी हो तो वो तो वहाँ उलझेगा और नरक जाएगा। ये पद जो है सीधे नरक ले जाने वाले हैं, कौन से वाले, तो ये जो बड़े बड़े पद है, ये नहीं जो मैं कह रहा हूँ, चक्रवर्ती पद है, जैसे चक्रवर्ती बने और चक्रवर्ती बने और मिथ्यात्व में रहे, सातवें नरक की जगह है उसकी क्या। यदि वो सम्यक श्रद्धान सहित रहे तो वो निकल जाएगा, उसे फंसेगा नहीं, वो नियम से कालांतर में मुनि दीक्षा धारण करके उसी भाव से मोक्ष या स्वर्ग में चले जाएगा। श्रद्धान का बल मिथ्या दृष्टि फंसता है और सम्यक दृष्टि फंसते हुए भी निकल जाता है।
क्योंकि भाई परिस्थिति तो जो राजा है तो राजी राज्य करेगा, तो बचपन से वैराग्य लेके आने वाले तो मिल रही होंगे ना, तो जो परिस्थिति जितना राग होगा उसका उतने अनुसार काम भी होगा। अभी इतनी अवस्था नहीं है कि पूरी अवस्था धारण कर सके, अनुरोध धारण कर सके, इतना राग नहीं घटा है तो गृहस्थी में रहता हुआ दिखाई देगा क्या, क्योंकि तो श्रद्धा और चाहे तो दोनों गुण ही अलग अलग है, एक गुण दूसरे गुण को अड़ता नहीं। यदि श्रद्धा गुण चाहे तो गुण को अड़े तो श्रद्धा निर्मल होते ही चाहे तो भी निर्मल हो जाए, बच्चे नहीं होता, श्रद्धा हो गई निर्मल चाहे तो भी निर्मल नहीं हुआ, जितना हुआ उतना हुआ, एक अनंतानुबंधी कषाय है, बाकी तीन कषाय है तो है। फिर वो क्या है, वो तो फिर जब देखते हैं कि चैत्र मोनी की मंदता है, मतलब चैत्र मोनी का थोड़ा मंद हुआ कषाय का, उदय मंद हुआ, थोड़ा वैराग्य परिणाम उत्पन्न हुआ, फिर वो उसमें देर नहीं करते, मतलब वो अपनी पूरी तैयारी होती है तो वो बाहर निकलते हैं। उनका काम, मतलब उनका काम ऐसा है कि 100 टंच मुनि बनेंगे तो 100 टंच स्वर्ग मोक्ष जाएंगे गारंटी से। क्या और वो कब बनेंगे, और जब वो अपनी पूरी सामर्थ्य देखेंगे कि अब मेरा राग नहीं रहा, बाहुबली भगवान जब युद्ध करने का भाव था युद्ध कर लिए, और जब उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ तो चले गए। फिर जो खड़े हुए एक जगह पे तो उस स्थान से वो हिले तक नहीं, एक साल तक खड़े रहे वो हिले। तो ये सब पूर्ण के श्रद्धा का बल है कि जिसके कारण से महापुरुष कोई भी कारण मिलने पर और तत्काल जो है संसार आदि घर बार छोड़ के निकल जाते हैं। मिथ्या दृष्टि के तो जो है वो तो वो क्या करता है उसकी वही जानता है, उसे श्रद्धा तो उसे कुछ है ही नहीं, तो जो धर्म भी जो करता है उसका क्या अभिप्राय है वो वही जानता, मैंने उसका भोग का अभिप्राय रहता है, क्योंकि असली सुख की पहचान दोनों को उसको मिथ्या दृष्टि को नहीं, मिथ्या दृष्टि का सुख तो विषय भोग है, स्वर्ग की इच्छा से करता है, और ये तो स्वर्ग क्या है, इन्होंने सब वहीं के वहीं सब भोग मिल देखे हुए हैं। सम्यक दृष्टि मतलब क्या, पूर्ण भाव में स्वर्ग से आया और पूर्ण का इतना पुण्य का उदय लेके आया, उसकी कोई इन चीजों में उसकी कोई रस नहीं है, निकल जाता। तो दोनों उदाहरण ध्यान रखना हो, कौन कौन से, वेद्य और नहीं वेद्य और अलति भाव से पीने वाला व्यक्ति, अलति भाव शराबी नहीं, शराबी तो रति से पीता है, अलति भाव से यदि मद्य पिया जाए, अलति माने बिल्कुल भी रति नहीं है, जबरदस्ती कोई एक मुंह में डाल दे तो उसका नशा नहीं चढ़ेगा, कोई करके मत देखना है शराब अमक्ष बस। लेकिन एक बात उसमें शास्त्र में जो आई है, अपन तो उसकी आधार से बात करें कि मध्य का नशा नहीं चढ़ता, कब नहीं चढ़ता, यदि रति नहीं हो तो, और रति हो तो चढ़ जाए, ऐसे जहर नहीं चढ़ता, कब जब ज्ञान हो तो, एक में वैराग्य का उदाहरण है एक में ज्ञान का उदाहरण, ज्ञान हो मतलब कि ये जहर कब लेना, इसकी काट क्या है, इसके पहले क्या लेना, इसके बाद क्या लेना, काट नहीं मालूम हो ऐसे ही ले लें जहर मरेगा, मतलब वहां ये ध्यान रखना, भोग को निर्जला कारण नहीं कहा, भोग के काल में रहने वाली ज्ञान और वैराग्य शक्ति को निर्जला कारण कहा, देखो ज्ञान वैराग्य की शक्ति जिससे भोग भी अपना कुछ काम नहीं कर पाते। देखो इसमें लिखा है ऐसे ऐसे, आपको पढ़ना हो, यदि आपको पढ़ना हो तो मैं आपको बताता हूँ, इसके पेज नंबर निकालो 285। निकालो 285 चौथा पैराग्राफ ऊपर से, तथा उन्हीं शास्त्रों में, माने द्रव्यानुयोग के व्याख्यान के विधान चल रहे हैं, अध्यात्म के शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोग आदि को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। गाथा है, गाथा है, मैं बताऊं सम्यक, उसमें निर्जराधिकार पढ़ना, क्या निर्जराधिकार में ये पहली गाथा है उसकी, निर्जरा पूछते निर्जरा किसे कहते हैं, तो निर्जरा निर्जरा कितनी समझाते हैं कि कर्म का अभाव निर्जरा है, एक देश छह निर्जरा है, ये बात ही नहीं करते,
निर्जरा दो प्रकार की होती है, सही पाप और अविपाक। पहली सबके हुए नहीं कि सर्वे काम तेरा, दूजी ये सब कुछ नहीं है, उसका सब्जेक्ट ही अलग एकदम। वो क्या कहते हैं पहली गाथा में, सम्यक दृष्टि के जो भोग है वो निर्जरा का काम है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है निर्जरा अधिकार। समय सर ग्रंथ है, नहीं होगा तो मैं गाथा बता दूंगा आपको, गाथा मेरे को याद नहीं आ रही एकदम, पहले याद थी मेरे को है समय ग्रंथ में, गाथा से बता दूंगा प्राकृत गाथा पढ़ मजा आएगा उसमें। क्या फिर आप समझ लें किस शैली से ग्रंथ लिखे गए हैं। बहुत बढ़िया, निर्जरा अधिकार है इसके अंदर और गाथा बंद के बाद में निर्जरा अधिकार, बंद के पेड़ है इसमें, बंद के पेड़ चेतन द्रव्यों का जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा भोग है, जम कुण दि सम दिट्ठि जो कुछ भी सम्यक दृष्टि करता है, तम सर्वम निर्जर निमित्तम, वो सब निर्जर के निमित्त है। ऐसी गाथा है, पहली गाथा है इसकी निर्जर। क्या कहा, उभोग मिंदियेहिं दव्वाणं चेदनाणं इदराणं जम कुण दि सम दिट्ठि तम सर्वम निर्जर निमित्तम, वो सारे निर्जरा के निमित्त है। और फिर इसके बाद में इन्होंने ज्ञान और सामर्थ्य के लिए जो तो उदाहरण दिए वो दिए, क्या और इसमें एक गाथा और है जो इसी बात को समझाती है, सेवन तो विण सेवदी असेव मानो भी सेव दो कोई, सेवन तो भी न सेव दी, सेवन तो भी न सेव दी, सेवन करते हुए भी नहीं सेवता, और असेव मानो भी सेव दो कोई, असेव मानो भी सेव दो कोई, असेवन करता हुआ भी सेवन करता, वो कारण है बोल, वो सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता और ये असेवन करते हुए भी सेवन करता, बड़ा अंतर है वो। तो यहाँ कहा गया देखो, उन्हीं शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा, उन्हीं शास्त्रों में इसका लिया उन्होंने, पंडित जी ने सीधे उदाहरण दे दिया इसका। अब वो क्या है, ये आदमी नहीं पढ़ा हुआ हो तो पता नहीं उन्हीं शास्त्रों में कहा, किन शास्त्रों में कभी कहा जिसने पढ़ा हुआ बताया, तो सीधे सीधे उन्होंने मान के चला ना कि ये आदमी इतना पढ़ के आया है, और नहीं तो समझ में अर्थ नहीं निकाल पाई कहाँ कहाँ दीजिएगा। सम्यक दृष्टि के विषय भोग अधिक को बंध का कारण नहीं था, निर्जरा कारण था, परंतु यह भोगों का उपादेय बना नहीं जानना, इसको थोड़ा संभाल रहे। क्या वहां सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने को जो तीव्र बंध के कारण भोगाधिक प्रसिद्ध थे, उन भोगाधिक के होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंध होने लगा उसे गिना नहीं, क्योंकि अनंतानुबंधी के द्वारा जो बंद होता था वो महान था, अब अनंतानुबंधी के बिना जो बंद होता है अध्यात्म उसको गिनते ही नहीं, ये अध्यात्म की विवक्षा है। और ये नहीं समझ पा रहे थे लोग, लगता बंद बंद नहीं हो रहा, अरे वो समझ लो किसी के ऊपर कर्जा है 1 करोड़ रुपए का, वो 99,99,999 रुपये चुका गया, तो वो जो है कोई वो अकाउंटेंट होगा तो कहेगा इसकी सिलक बची है, पर वो मालिक कहेगा कि बंद कर इसका अकाउंट, चिल्लक क्या बची, 1 रुपये पागल है क्या, 1 रुपये रखना है उससे, क्या आ गया इसका पैसा। तो ऐसी स्थिति है, अनंतानुबंधी चला गया तो
तो कहते हैं कि अनंत कर्म का बंध मिट गया। अभी भी तो बच्चा है, असंयम का बच्चा है और असंयम के अलावा वो तीन कषाय चौकड़ी का बच्चा है, कि तू इसको बंद कर, जो जाना था जो मेन था वो चला गया, अब इसका बंद बंद नहीं है, अब ये तो चला जाएगा। ये अध्यात्म की योक्षा है, तो करना नियोग की योक्षा लगे, करना नियोग तो दसवें गुणस्थान में भी हो, तो कहता अभी तो सूक्ष्म लोभ बचा है, अभी यथा क्या चाहे पूरा कहाँ हुआ, मैंने दसवा वाला मैंने जो नियम से केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला अंतर मूर्त में, और उसको भी कहते इतना सूक्ष्म लोभ है, अभी उसका नाम दे दिया उन्होंने सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म सांप्राय। तो ये विवक्षा है दोनों की, करना नियोग सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी पकड़ता है और द्रव्यानियोग स्थूल, वो कहता है 99% काम हो गया तो हमारे हिसाब से उसका काम हो गया, अनंतानुबंधी मिथ्या चला गया, मैंने हम तो कह रहे हैं उसको बंदी मिट गया, समझना है उसको बंद वो गिनते ही नहीं हो, उनका पूरा फोकस वो मिथ्या तो अनंतानुबंधी पे, किसका इस ग्रंथ का प्रॉब्लम, वो कहता है ये चले जाए तो बहुत बड़ा काम हो गया, संसार का भाव हो गया, और ये नहीं गया तो कहते कुछ नहीं है, फिर वो वहीं का वहीं खड़ा है ना, और वो करना नियोग तो फिर वो भी चले जाए मिथ्या अनंतानुबंधी, तो कहता अभी और बढ़ने की देर, वो तो पूरा केवल ज्ञानी बन जाए, तो केवल ज्ञानी बन जाए तो अभी योग की योग बचा है, ये सिद्ध हो जाए तो ना हो गया, वो सूक्ष्म कथन है, स्थूल कथन स्थूल में भी मतलब ऐसी बात नहीं कि उसको छोड़ दिया हो, वास्तव में स्थिति ऐसी है, मिथ्या और अनंतानुबंधी सहित जो बंद होता है और उसके बिना जो बंद होता है वो उसका अनंत भाग भी नहीं है, क्या मिथ्या अनंतानुबंधी के बिना जो बंद होता है वो मिथ्या सहित जो बंद होता है उसका अनंत भाग भी नहीं है, जो गिनते ही नहीं उसको, क्या गिने इसको, हमारा ध्येय यही है इसको सम्यक की प्राप्ति तो हो जाए एक बार, वो हो गई तो हम तो कहते हैं इसको मुक्ति का हमने सर्टिफिकेट दे दिया, नियम से भावी भाजनम नियम से मुक्ति का प्राप्त होगा, क्योंकि उसका अधिक से अधिक संसार रहेगा तो कितना रहेगा, अर्ध मुक्ति प्राप्त बाउंड्री बन गई, और ये नहीं हो कि मिथ्यात्व का भाव नहीं होता, संसार का भाव नहीं होता, तो इसलिए वो सम्यक दृष्टि की महिमा बदलाने के जो तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, उन भोगादिक के होने पर भी श्रद्धा शक्ति के बल से मंद मंद होने लगा, उसे गिना नहीं, और उसी बल से निद्रा विशेष होने लगी, किसी बल से सम्यक श्रद्धा के बल से, इसलिए उपचार से भोगों को भी बंध का कारण नहीं कहा, निद्रा का कारण कहा, विचार करने पर तो भोग निद्रा के कारण हो तो उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि मुनि पर का ग्रहण किस लिए करे, यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक की महिमा, जिसके बल से भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकता, अब देखो अपन आओ भूल पे अपने विषय पे, नंबर मिथ्या मिथ्या चाहिए, तो मिथ्या चाहिए किसका है, ये मिथ्या चाहिए मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान सहित वाले का है, जिसके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया उसके विषयों की प्रवृत्ति की चर्चा यहाँ नहीं है, उसकी विषयों की प्रवृत्ति देखने में आती है लेकिन वो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित नहीं, मिथ्या श्रद्धा सहित नहीं, और यहाँ तो मिथ्या चैत का स्वरूप बताएंगे तो उसमें मिथ्या श्रद्धा सहित जो चैत्र था उसका वर्णन करें, मैंने यहाँ चारित्र में गड़बड़ नहीं बतानी है, वो चैत्र में गड़बड़ से उसको लिंक करेंगे मिथ्या दर्शन से, देखो इसका श्रद्धा ऐसा है, क्या इसका श्रद्धा ऐसा है इसलिए काम भी ऐसी करें, तो वो पकड़ेंगे किसको, मिथ्या श्रद्धा, चैत को नहीं पकड़ते, चैत तो बेचारा क्या करें, चारित्र तो इसको फॉलो करता है, जैसा श्रद्धा होता है वैसा चैत्र काम करता है, वो उसका चलाने वाला वो है, वो उसका सम्यक श्रद्धान होगा तो अपने आप कहेगा श्रद्धान भोगों से हट 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 हट, और मिथ्या श्रद्धान होगा तो कुछ कहेगा ही नहीं, तो उसमें रमता जाएगा, तो इसलिए ये बात मिथ्या चाहिए जो स्वरूप है, मिथ्या दर्शन रूप मतलब मिथ्या दर्शन के कारण जो चाहित होता है वो कैसा होता है उसका वर्णन देखो पड़ते हैं, हम मिथ्या चाहित का स्वरूप कहते हैं, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र, परिभाषा क्या कहा, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र, माने कौन है इसमें उदय, चारित्र मोह, जैसे मिथ्या चारित्र में मूल रोल चारित्र मोहनी का, और चारित्र मोहनी में अनंतानुबंधी तो है ना, केवल ऐसा तो है ही नहीं कि बाकी तीन कषाय चौकड़ी, चार कषाय चौकड़ी मिलके नाम है चारित्र मोहनी, उन चार कषाय चौकड़ी और नौ नौ कषाय,
ये 25 कषाय कहलाती है चारित्र मुनि, और मिथ्या को जाता है दर्शन मुनि। दर्शन मुनि के निमित्त से श्रद्धा विपरीत, चारित्र मुनि के निमित्त से चारित्र विपरीत। तो चारित्र मुनि में यहाँ अनंतानुबंधी सहित जो कषाय है उनके उदय से जो कषाय, उनके उदय से जो प्रवृत्ति होती है उसका वर्णन है। यहाँ अनंतानुबंधी रहित वाले का वर्णन नहीं है। किसका वर्णन है? जिसके अनंतानुबंधी है उसके मिथ्या चारित्र की बात है ना। तो हम चारित्र मुनि के उदय से, माने वो जो चारित्र मुनि के उदय से जो कषाय भाव होता है, चाहे वो कषाय हो चाहे नो कषाय हो, तो सब कषाय रूप ही नहीं, वो किंचित कषाय कषाय, उसका नाम क्या है? मिथ्या चारित्र। परिभाषा देखो। अब दूसरा देखो, यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सो भक्ति नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र। माने ये परस झूठ अपने, देखो पहली लाइन क्या कही, अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है का मतलब क्या? अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति क्या? अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति तो जैसे सिद्धों की प्रवृत्ति है स्वभाव रूप है, उसको कहते हैं स्वभाव रूप प्रवृत्ति। स्वभाव रूप प्रवृत्ति का मतलब ज्ञाता दृष्टा रहना, ये स्वभाव रूप प्रवृत्ति है, और राग द्वेष करना ये विभाव रूप प्रवृत्ति। तो यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है मिथ्या चारित्र, और झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, क्रोध रूप प्रणमन करना चाहता है, मान माया लोभ क्या पर द्रव्य का कुछ करना चाहता है, क्रोध के निमित्त से उसका बुरा करना चाहता है, मान के निमित्त से उसका अपने को बड़ा करना चाहता है। तो ऐसा करना तो चाहता है और वो बनती नहीं, बनती नहीं है इसलिए इसका नाम इच्छा चाहते। यदि पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करे और वो बन जाए तो उसका नाम सम्यक चाहते क्या? मतलब पर वो कह रहे हैं पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना तो चाहता है और वो बनती है ही नहीं क्या? क्योंकि पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति बनती नहीं है ना, वो तो स्वभाव रूप प्रवृत्ति तो बनना सरल है, पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति कैसे बने? वो पर रूप करना भी चाहे अपनी प्रवृत्ति, या पर पदार्थ को प्रणमन भी करना चाहे, वो होता नहीं है। होता नहीं है तो अपने आप आकुलता होती है। अपने अनुकूल हो जाए, समझ लो अपनी इच्छा के अनुकूल प्रणमन हो तो वो कषाय करना सार्थक है। क्योंकि हमने बुरा करने का सोचा, बुरा हो गया, हमारे हाथ में हो यदि, मतलब कषाय के अनुसार हम पर पदार्थ का प्रणमन कर सकते हो तो तुमने सबको क्यों कषाय करो भैया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अपन यदि मान करो, मान से अपन अपने बड़े हो जाते हैं, लोभ करो लोभ से धन आ जाता है, छल कपट करो उससे कार्य की सिद्धि हो जाती है, क्रोध करो उससे दूसरे का बुरा हो जाता है। लेकिन तुम कषाय करो भाई, लेकिन कषाय करने से तुम कार्य की सिद्धि करना चाहो, बोलिए कषाय करना स्वतंत्र है और कषाय से अपने कार्य की सिद्धि होना स्वतंत्र। पर भाव रूप प्रवृत्ति करे कितने ही, यहाँ तो पर भाव का वैसे अर्थ है विभाव भाव, विभाव भाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, उसमें वो बनती नहीं, माने वो स्वभाव रूप नहीं है ना, आकुलता रूप है। एक कितने ही करे, अपने स्वभाव से बाहर लेके कितने ही काम करे, लेकिन वो बनता नहीं, वो काम बनता नहीं, माने वो आकुलता होती है, मां दुख रूप होती है, इसलिए उसका नाम क्या? मिथ्या चारित्र। और देखो इसको क्लियर करेंगे आगे, अभी थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे समझाते हैं, वही बताते हैं। देखो आगे पूरा क्लियर, अभी भूल जाओ समझ लो जो पढ़ा है। अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है। कैसा है अपना स्वभाव? दृष्टा ज्ञाता मतलब जानने देखने का स्वभाव है। सो स्वयं केवल देखने जानने वाला तो रहता नहीं, ये ले जाए काम बन जाए इसका, जगत का साक्षी भाव से देखने जानने वाला कौन रहते ही? फिर क्या करता है? जिन पदार्थों को देखता है जानता है उनमें इष्टनिष्ठ बना मानता है। अब ले लूंगा तुम्हें कुछ पता है। जिन पदार्थों में इष्टनिष्ठ बना मानता है, जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्टनिष्ठ बना मानता है क्या? पदार्थों को केवल देखने जानने की छूट थी इसको, स्वभाव तो वैसे ही है, स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं करता, पर भाव रूप प्रवृत्ति करता है। कैसी पर भाव रूप प्रवृत्ति करता है? कि जिसको देखता जानता है उसको उसमें इष्टनिष्ठ बना मानता है। देख जान, नहीं मैं देखूंगा जानूंगा नहीं,
देखने जानने के बाद में उसमें अच्छा भला, अच्छा और बुरा ये माने बिना तो मैं रहूंगी। देखना तो मकान देखने है ऐसा नहीं, मकान देखने ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बस वहां से आगे चलती हुई ट्रेन इसकी अपने को भी होना चाहिए। अब वो देखने के लिए थे पदार्थ और ये केवल देखने तक सीमित रह जाता तो आगे की ट्रेन ही नहीं होती, मिथ्या चाहत ही नहीं होता, मिथ्या चाहत तो आगे की पूरी ट्रेन चलेगी। अभी ये यहीं तक हो जाए इसका स्वभाव है देखना जानना, देखने जानने से इनकार नहीं है, देखना जानना तो केवल ज्ञानी के लिए, सिद्धों के लिए, फिर उनको बंद नहीं होता क्योंकि देखना जानना बंद का कारण नहीं, बंद का कारण कौन है? इष्ट अनिष्ट मानना, अच्छा बुरा कल्पना करना, ये अच्छा है बुरा जो भी देखता है रहता ही नहीं उसके बिना। प्रदर्शन जैसे वो एक उदाहरण है कि प्रदर्शनी है देखो, नहीं नहीं ये तो जाएगा अंदर कहेगा मैंने 20 रुपए का 100 रुपए का टिकट लिया है तो अच्छे से हाथ लगा लगा काय की बनी है कैसी है, इसलिए वो लोग एक चौकीदार रखते हो नंदे वाला, वो पहले रोकता भैया हाथ लगा, क्यों हाथ नहीं लगाएंगे, टिकट लेके आए तो टिकट देखने का है। और फिर भी वो आदमी नहीं मानता है तो वो उसको बाहर निकाल, बाहर निकलो क्यों, क्योंकि तुमको देखना जानना आता ही नहीं, यहाँ केवल दर्शकों के लिए टिकट लगा है, यहाँ कोई चीज को हाथ लगाने के लिए नहीं लगा है क्या। और आदमी तो इतना समझदार हो गया कि हाथ ही क्या हो, तो सोचता है कि कोई नहीं देख रहा तो ले ही चलो। तो रुपए में से कुछ तो वसूल हो ही जाए, तो ऐसे लोग क्या करे, डंडे नहीं पड़े तो क्या हो बताओ उनका, भाई तुमको जो चीज मिली है चीट करने के लिए उसकी वहीं तक रहो, उससे आगे मत रहो, ऐसे जीव का स्वभाव है, दृष्टा क्या था तो वहीं तक रहे, उसके आगे नहीं बढ़े तो कोई बंद नहीं। और जहाँ एक कदम आगे बढ़ा, अब देखो उसकी एक कदम ही आगे बढ़ा ना, अभी अभी तो पहले क्या माना उसने, स्पष्ट बना बना, जो इष्ट है जो इष्ट लगेगी उसमें क्या करेगा राग, अनिष्ट लगेगी उसमें द्वेष, इसलिए रागी द्वेषी होकर जिससे राग करेगा उसका सद्भाव चाहता है कि मेरे पास होनी चाहिए, जो चीज अच्छी लगती है जिसका राग होता है उसका सद्भाव चाहता है, जो चीज बुरी लगती है जिसमें द्वेष करता है उसका किसी का अभाव चाहता है। अब दिक्कत क्या है, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं, ये कितने ही चाहे कि ये चीज मेरे पास आ जाए और ये मेरे पास से चले जाए, लेकिन वो इसका किया हुआ नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता होता है, कर ही नहीं सकता कोई द्रव्य किसी द्रव्य, सब स्वतंत्र स्वतंत्र, सब अपने अपने पाप पुण्य के अधीन जो है काम चलता है सबका। समझ लो अपने को परिवार में जो कोई मिला हो, मैं रात दिन सोचूं माला भी फेरूं क्या, समझ लो किसी 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 बहू को सास से कोई झगड़ा भी हो वो खूब माला फेरे, कब जाए कब जाए, नहीं वो उसकी आयु होगी तो ही जाएगी ना क्या। मैंने तो एक उदाहरण किया है लेकिन कहने का तात्पर्य तेरे करने से क्या हो जाएगा, तू पाप मान ले भले ही, लेकिन वो होना जाना कुछ नहीं है वहां पे, वो तो आराम से अपने बस आयु जीती, तू अनिष्ट मान के उसका द्वेष करके उसका अभाव करना चाहे तो चाल, लेकिन तेरे चाहने से उसका अभाव होता नहीं, ऐसे सद्भाव भी अपने चाहने से नहीं होता। हम कितनी चीजें दुनिया में अपने को अच्छी लगती है क्या, अपने को बहुत चीजें अच्छी लगती है, कोई गाड़ी देखी नहीं बहुत बढ़िया है अपने को भी होना चाहिए, कोई महल देखा नहीं अपने को भी होना चाहिए, हर चीज की तो सद्भाव चाहता है, इसके सद्भाव जो जितना ये चाहता है उसका 1% भी इसको सद्भाव होता नहीं है। यदि इसका बस चले तो क्या करे, ये कलेक्टर के घर में खुद जाए, कलेक्टर की काय के लिए, राष्ट्रपति भवन में खुद जाए, क्या सब नौकर चाकर लगा पूरे हर चीज में सद्भाव अंदर में, तो बहुत चीजों का सद्भाव चाहने की, परंतु इसके चाहने से कुछ नहीं होता, और चाहने से अच्छा ही नहीं हो
तेरे चाहने से हो तो देखो राष्ट्रपति भवन तो एक ही चाहने से हो जाए, प्रधानमंत्री की सीट एक है, चाहने वाला तो बहुत है, किसी के चाहने से नहीं मिलती हो, तो जिसका पुण्य का उदय होगा मिलेगी इसको ही क्या। और तो इतना है इसका कि जो आदमी कभी सोच ही नहीं हो उसको उठा के भी आदमी कहता है कि नहीं बैठ जाती है, बोलो ऐसे ऐसे उदाहरण है। जिन भगवान को देखते हैं, मुनियों को देखते हैं, आदमी को सद्भाव होता है कि हम भी ऐसे बने, वो सद्भाव की अलग चीज है, अभी तो अपन वस्तु के सद्भाव कह रहे हैं। जिन पदार्थों को देखता है उनका सद्भाव चाहता है, और जिन पदार्थों को अनिष्ट मानता है उसका अभाव करना चाहता है। वो कहते हैं इसका सद्भाव और अभाव इसके किए होता नहीं, फिर इसके किए होता तो क्या मान तू क्या, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं, वो अपने अपने पुण्य पाप का फल भोगते हैं। हम किसी परद्रव्य को चाहे लाना या किसी परद्रव्य को मिटाना चाहे तो वो हमारे हाथ में नहीं है क्या। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको कितने ही लोग मारने की सोचते रहते, प्लानिंग बना देते सारे क्या, और उसके यदि आयु का क्षय नहीं होता है तो प्लानिंग फेल हो जाती है। अगर और तो उसको मारने के लिए गया वो आदमी दूसरे ही मर गया और वो बड़ी चिंता रह गया। संसार में से अपन पक पक के उदाहरण ले, करने से यदि जिसको कहते ना बिल्ली के छींकने से यदि छींका फूटता होता तो फिर क्या बात थी। ऐसे दूसरों के बुरा चाहने से यदि कोई काम अपना बिगड़ जाता तो दुनिया में कुछ भी काम नहीं हो पाता। सोचो जिसको सोचना मेरे पाप का उदय होगा तो बुरा होएगा, और नहीं होएगा तो सारी दुनिया सोच ले कुछ नहीं होने वाला क्या। पर ऐसे ही भले के अंदर भी यदि सब मेरा भला भी करना चाहे और यदि मेरे पाप का उदय है तो सारी दुनिया मेरा चाले सब उसकी वेल विश कर ले, लेकिन वो उसको जो है उसका भला कर सकते हैं क्योंकि अपने बांधे हुए पुण्य पाप का फल भोगता है जीव, कोई दूसरे का किया हुआ भोगता नहीं है। इसलिए अन्य कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता है नहीं, सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप पर्ण में होते हैं। ये वस्तु व्यवस्था, ये प्रिंसिपल है, ये फंडामेंटल ट्रूथ है, फैक्ट है। क्या है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता है नहीं, सारे द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। ये प्रथा ही, अब ये फालतू ही कषाय भाव से आकुलित होता है, ये जबरदस्ती क्रोध कर करके खून इसका जल रहा है, जिसके जिसको ये चाह रहा है कि उसका भाव हो वो तो आनंद में है, अच्छे अम्मा जी का दौर खून बढ़ रहा है मोटी हुई जा रही है, और ये दूर में सूख सूख के कारण वृथा ही तेरे कषाय करने से क्या होगा। ये वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है, आकुलता होती है उससे, क्योंकि नियम है जब अपने चाह हुआ नहीं होता तो अपने बहुत आकुलता होती है, इसलिए ऐसी चाह कोई धिक्कार है जिससे आकुलता हो। चाह हुई क्यों, क्योंकि पर पदार्थ को इष्टनिष्ठ माना, एक को अच्छा माना एक को बुरा माना, अच्छा बुरा कोई है ही नहीं मूल में, अच्छा बुरा कोई है ही नहीं। आगे कहेंगे आगे को एक चैप्टर इष्टनिष्ठ की कल्पना ही मिथ्या है, जब इष्टनिष्ठ की कल्पना ही मिथ्या है तो फिर राग द्वेष करना मिथ्या है, एक का सद्भाव चाहना एक का अभाव चाहना ही मिथ्या है। फंडामेंटल भूल है ना, इष्टनिष्ठ मान नहीं भूल है, पर पदार्थ कोई इष्टनिष्ठ होता ही नहीं, सचमुच नहीं होता, जिसको हम अनिष्ट मानते हैं उसी को इष्ट मानने लग जाते क्या। अनिष्ट जो महा अनिष्ट है, ये महाबुरी है, ये महाबुरी है, ये तो मेरे कम इसका पिंडा छूटे और शांत है फिर, अरे ये तो बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करने वाली है, ये तो भव भव में रहे, तुम क्या है अभी क्या कह रहे थे, अभी क्या कह रहे थे। आदमी जिसके लिए सारे समाज को छोड़ देता है उसी से तलाक के लिए कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है, तुम्हें कहता है इसको क्या हो गया इसके दिमाग में, कल तक तो इष्ट थी आज अनिष्ट हो गई इसके लिए। तो वस्तु का इष्ट अनिष्ट तुम्हारी मान्यता में है, तुम्हें इष्ट मान लिया इष्ट हो गया अनिष्ट मान लिया अनिष्ट हो गई, वस्तु में इष्ट अनिष्ट बैठे ही नहीं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही मिथ्या है। आगे और क्या कहते हैं, तथा कदाचित कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, कदाचित हो भी जाए जैसा हम चाहे वैसा हो भी जाए तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है, वो तुम्हारी इच्छा से परिणमित नहीं हुआ है। देखो एक बात मैं बताता हूँ, एक सिद्धांत,
अपने मानते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम होना ये क्या है, पुण्य का उदय, बराबर। अपनी इच्छा अनुसार होना वो पुण्य का उदय, जबकि ऐसा नहीं है। अपना यदि पुण्य का उदय होता है तो अपने को वैसी इच्छा होती है जैसा पदार्थ का परिणाम होने वाला होता है। पदार्थ का परिणाम तो जैसा होगा वैसे ही होगा, दुनिया तो जैसी चलनी वैसी होगी, जिस काल में जैसी उसकी अवस्था होनी वही होगी। तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारे ऐसे विचार आएगा कि ऐसा परिणाम करें, तो तुम्हारे पाप का उदय आएगा तो तुम्हारे उल्टा विचार आएगा कि ऐसा परिणाम करें, परिणाम कुछ और करने वाला होगा, तुम्हारे विचारों में अन्य रूप आए। क्या मैं तुम्हारे परिणाम कराने, तुम्हारी इच्छा है ना इच्छा, तो तुम्हारी इच्छा के अनुकूल होना ये पुण्य का उदय नहीं है। पुण्य का उदय इसका नाम है कि जैसा होने वाला होता है वैसी इच्छा उत्पन्न होती है, इसका नाम पुण्य का उदय। तुम्हारे विकल्प तो सब निरर्थक है, मतलब तुम्हारे जो तुम सोच रहे हो कि मेरे इच्छा करने से हो रहा है, कुछ नहीं है वो, तो पुण्य का उदय होगा तो दिखेगा वैसा कि हाँ ऐसा मैंने ऐसा सोचा इसलिए ऐसा हुआ, वो तो होना ही था वैसा, क्या तुम्हारे सोचने से हुआ नहीं। तुम्हारे पुण्य का भाग्य का उदय होता है तो उनको ऐसे ही सपने होते हैं, ऐसे विचार आते हैं जो जैसा जगत का परिणाम होने वाला होता है, और जिनके पाप का उदय होता है उनके ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि जो जो सब उल्टा होने वाला होता है वैसे विचार चलते हैं। तो कह रहे कदाचित कोई काम ऐसा हो भी जाए कि जैसा है परिणाम करना चाहे वैसे परिणाम हो भी जाए तो तेरी इच्छा के कारण नहीं हुआ है, वो तो परिणाम तो वैसे ही होना था, तेरा कोई पुण्य का उदय था ना इसके कारण तेरे को ऐसा इच्छा उत्पन्न हुई, ऐसा भाव आ गया, ऐसा हो जाए हो गया। जैसे जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर माने कि मैं इसे चला रहा हूं तो वह असत्य मानता है, झूठा मानता है, गाड़ी तो अपने आप चल रही है, तो जबरदस्ती धक्का देकर अपना कर्तव्य तो क्यों मान रहा है कि मैं चला रहा हूं, मैं चला फालतू थक रहा है, चल रही हो तो अपने आप। कुत्ता था ना, कुत्ता की आदत थी, कुत्ता गाड़ी के नीचे नीचे चलता था, ओ कुत्ता गाड़ी नीचे बड़ा भारी एकदम कितना वजन है, क्या वजन है तेरे ऊपर, मानता है ऐसा कि मेरे ऊपर बहुत वजन है, क्या ऐसी स्थिति इसकी है, इसकी गाड़ी चलती है अपने से संसार की, कोई किसी के निमित्त से कोई काम उठते नहीं है, संसार सब चलते हैं, संसार का परिणाम स्वतंत्र होता जगत में जग का दूर हटो प्रकृत परिणाम सहजानंद सहजानंद वर्णन की जा सब बढ़िया हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म मैं वह हूँ जो है भगवान जो मैं हूँ वह है भगवान अंतर यही ऊपरी जान वे विराग है राग मम स्वरूप है सिद्ध समान अमित शक्ति सुज्ञान था वो इनकिंतु आश्वर्ष खोया ज्ञान बना विखाई पड़े बहुत बढ़िया उसके अंदर यही है होता जगत स्वयं परिणाम में जग का करता क्या काम क्या क्या काम कर लिया तुमने जगत तो ये असत्य मानते यदि उसके चलाने से चलती है तो जब वे नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता जब गाड़ी रुक गई अब कुत्ता चला ले चलाने से चल रही था क्या इसके लिए एक और उदाहरण देता हूँ ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट के माचिस तिली चली मान लिया मैंने चलाई ऐसी स्थिति चली अपनी योग्यता से जला ले तू माचिस की तीली से जला सकता हूँ ऐसे कोई कार्य है ना अपनी इच्छा से होते तो इच्छा तो बहुत सारी चीज़ों की किसकी नहीं इच्छी क्या करने तो इसलिए कह रहे जब नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता इसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं पदार्थ तो अपने हिसाब से परिणमन करते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूँ परंतु असत्य मानता है क्योंकि उसके परिणमन कराने से परिणमन नहीं हुआ यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते तब क्यों नहीं परिणमाता परिणमा ले तू तो बहुत कुछ कर सकता है ना कर ले कितने ही काम अपने अटके पड़े हैं करा लो तुम करा सकते हो तुम कराने वाले हो गए तो सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित कभी ऐसे ही बन जाए तब होता है माने जैसा ये चाहता है वैसा तो कभी बन जाए तो होता है कोई एकाध काम बन जाए तो होता है बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे होते देखे जाते 99% तो वही हो रहे
इसलिए ये निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं, तथा यदि अपने करने से, अब आगे मूल बात बताएंगे, यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो कषाय भाव करने से क्या, गुस्सा करने से किसी का बुरा होता ही नहीं तो गुस्सा करने से क्या, गुस्सा मिथ्या चाहिए, मिथ्या आचरण है ना, लालच करने से धन आता ही नहीं तो लालच करने से क्या, केवल स्वयं ही दुखी होता है, कषाय से तू खुद दुखी हो जाएगा, कषाय से काम तो कुछ होना नहीं है, गर्ज में आकुलता करके दुखी हो ले। जैसे बहुत बड़े उदाहरण है इसके, जैसे किसी विवाह आदि काल में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता वह यदि स्वयं करता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है, उसी प्रकार से कोई कोई दद्दा जी यदि किसी बारात में पहुंच जाए सब बच्चों को कह क्या है सड़क पर नाचना नहीं माथे पर टोपी लगा जाना, अब होना तो कुछ है ही अपने अपने चलाते हो और चलाते हैं तो भयंकर आकुलित होते हैं और जितने आकुलता होते हैं लोग उनके और मजाक करते हैं और ज़्यादा कषाय करते हैं, कोई नहीं सुन रहा है कहीं निकलेगी निकलेगी उनकी मस्ती है तो क्या होता है वो करता होकर कषाय करता है तो आप स्वयं दुखी होता है, तू क्या कर चुपचाप देखता रहे बस ज़्यादा दृष्टा हो गए क्या, चलनी है नहीं तो फिर काय के लिए कषाय करता है, ऐसे संसार में जब चलनी ही है तो कषाय भाव करने से क्या, मिथ्या चरित्र है और मिथ्या आचरण है, इसी प्रकार जानना, इसलिए कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना कुछ कार्यकारी नहीं है, इसलिए इस कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चरित्र कहते हैं, क्योंकि कषाय करने से अपना कषाय करने से होता नहीं कुछ, वो व्यर्थ होती है, इसलिए वो मिथ्या मिथ्या चरित्र, बाकी चर्चा